सो गाइज वेलकम बैक टू माई चैनल अलीज आर्ट वर्क। तो जो आज की वीडियो है वो होगी बांके भैरी जी के 3D स्कल्पचर के ऊपर जो कि मैंने बनाया है और आपने उसकी रील इंस्टाग्राम पे देखी होगी। तो उनका फर्स्ट पार्ट हम इस वीडियो में कवर करेंगे जो कि सिर्फ क्ले का वर्क होगा। तो ये वो क्ले है जो कुम्हार यूज़ करते हैं बर्तन बनाने के लिए। आप फेविक्रिल की क्ले भी यूज़ कर सकते हो लेकिन मैंने वो कभी ट्राई नहीं की, मुझे उसके बारे में इतना पता नहीं है। तो जो ये फर्स्ट पार्ट होगा वो क्ले का प्रोसेस ही है। आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ये मैंने एक प्लाईबोर्ड की तरह लिया था, ये एक फ्रेम होता है, ये प्लाईबोर्ड से ही बना होता है लेकिन आप प्लाईबोर्ड भी यूज़ कर सकते हो। तो ये कुछ इस तरीके का था। तो मैंने इसके ऊपर पहले दरबार बनाया और ये मैंने कुछ रेफरेंस ली थी जो आप देख सकते हैं, वो मैंने प्रिंट आउट ले लिए थे उनके, क्योंकि बाद में प्रिंट आउट से आसानी होती है बनाने में। तो ये प्रिंट आउट थे कुछ जो मैंने इंटरनेट से लिए थे। तो मैं पहले बिहारी जी को बनाऊंगा, मतलब पेंसिल से ड्रॉ करूंगा कि किस तरीके के शेप में वो आएंगे। तो ये मैं बिल्कुल सेंटर में बना रहा हूँ, ऊपर का जो पार्ट है वो उसमें गर्भगृह बनेगा। और ये देख सकते हैं आप, मैंने पूरा ड्रॉ कर लिया है और उसके बाद मैं क्ले का वर्क है जो वो शुरू करूँगा। ये ड्राइंग के वक्त कुछ इस तरीके का दिख रहा था। जहाँ जहाँ हमें क्ले का वर्क करना है वहाँ पे हमें पहले फेविकोल लगाना पड़ेगा, क्योंकि फेविकोल जो है वो क्ले को बाइंड करके रखेगा प्लाईबोर्ड के साथ। अगर हम फेविकोल नहीं लगाएंगे तो सूखने के बाद जो क्ले का वर्क है वो उखड़ सकता है। तो मेक श्योर कि आप फेविकोल ज़रूर लगाएँ। और ये देखिए मैंने फेस बनाना शुरू कर दिया है। तो इनके फीचर्स मैंने बड़े प्यार से बनाए थे, बड़े धैर्य से बनाए थे। आपको भी बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करनी है, अच्छे से बनाइएगा। ये देखिए मैंने पतले से इनके होंठ बनाए थे ताकि इनकी स्माइल बड़ी प्यारी आए। और अगर आपको इसका ट्यूटोरियल चाहिए तो मुझे कमेंट कर देना, मैं जल्द ही अपलोड कर दूँगा। ये देखिए इनकी स्माइल बड़ी प्यारी थी। और उसके बाद मैंने आँखें बनाई, सेपरेट लगाई थी, फिर उसके बाद ब्रश और पेंसिल की मदद से मैंने उनको अच्छी सी शेप दे दी जैसे कि मैं वीडियो में दिखा रहा हूँ। तो बनाने के बाद मैं थोड़ी थोड़ी फाइनल टचेस दे रहा हूँ और अब बारी है इनकी बॉडी की। तो जो इनकी लोअर बॉडी होगी उसमें मैं ज़्यादा क्ले नहीं यूज़ करूँगा, सिर्फ ऊपर की बाजू और टांग है जो उसको ही हम ज़्यादा क्ले से कवर करेंगे, क्योंकि अगर हम पूरा ही क्ले से बनाएंगे तो वो प्लाई के ज़्यादा ऊपर आ जाएगा जो कि हमें नहीं चाहिए। हमें बस 3D लुक चाहिए। अगर आपको हाथ और पैर की भी सेपरेट वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट कर देना, मैं बना दूंगा। ये देखिए उसके बाद पाँव की बारी आई। मैं मिट्टी थोड़ी थोड़ी करके ही लगा रहा हूँ, मैं एक बार में सारा नहीं बना रहा, क्योंकि थोड़ी थोड़ी की वजह से वो अच्छे तरीके से बाइंड रहेगी प्लाईबोर्ड के साथ जो कि हमारा मेन थीम है। तो ये उनकी दूसरी लेग है जो वो मैंने थोड़ी ऊपर को बनाई थी, क्योंकि 3D लुक देना चाहता था मैं इनको। जैसे कि आपको वीडियो में दिख रहा होगा दूसरी टांग से वो थोड़ी सी ऊपर को है। फीचर्स बनाने के बाद मैं पानी से अपनी फिंगर की मदद से उसको थोड़ा सा स्मूदन कर रहा हूँ ताकि अच्छी सी लुक आए, ताकि सैंड पेपर ना यूज़ करना पड़े बाद में जैसे कि मैं वीडियो में दिखा रहा हूँ आपको। तो ये जो इनके पैरों की उंगलियां थी वो मैंने पेंसिल की मदद से बनाई थी, सिंपल मैंने मिट्टी लगाकर उसके बाद उनको ड्रॉ कर दिया था और बाद में थोड़ी थोड़ी शेप दे दी थी जैसे कि मैं दिखा रहा हूँ। उसके बाद इनका बेस आ गया।
तो ये क्ले का वर्क डन होने के बाद है, यहाँ पे मेरे बांके बिहारी जी आएगा जैसे ओरिजिनल में है। और ये फीचर्स देखिए आप कितने अच्छे आए थे इनके। स्माइल तो बड़ी ही मतलब बहुत ज़्यादा प्यारी थी, ऐसे ही इतने प्यारे लग रहे थे ये। और आंखें वगैरह लगने के बाद तो बिल्कुल रियलिस्टिक लुक आ रही थी। तो इनका दरबार भी मैं रियल की तरह ही बनाने की कोशिश करूँगा अगर मुझसे बन जाए, और इनका श्रृंगार वगैरह भी बिल्कुल वैसे ही करूँगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पे अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। नेक्स्ट पार्ट में जल्दी ही अपलोड करूँगा, तब तक के लिए जय श्री राधे।